नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धन की आवश्यकता हर किसी को होती है, लेकिन जीवन में अनेकों प्रयासों के बाद भी सभी को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो पाता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कुछ तुरंत फलदायक और महाप्रभावशाली उपाय जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल करके रख देंगे। हमारी ज्योतिष में माँ लक्ष्मी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करने से घर में बरकत रहती है और पैसे की कभी कमी नहीं लगती। कुछ और भी आपको घरेलू उपाय बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को अविलंब आगे बढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। यदि कपड़े रेशमी हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाल रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, देवी लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है, इसलिए कमल पर बैठी हुई देवी लक्ष्मी का चित्र आपके पूजा घर में लगाने से व्यापार में आशातीत सफलता व्यक्ति को मिल जाती है। यदि आपके घर में लंबे समय से धन स्थिर नहीं हो पा रहा, पैसा आता है चला जाता है, आता है और फिर चला जाता है, धन की स्थिरता करने के लिए माँ लक्ष्मी की कोई प्रतिकृति, कोई चित्र जिसमें वे धान्य पर, अनाज पर या चावल पर खड़ी हुई या बैठी हुई है, ऐसे चित्र को घर में लगाने से पैसे में स्थिरता आती है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन गाय को ताजी रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाने से भी देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए घर में स्थिर हो जाती है और यह प्रयोग हमेशा चलते रहना चाहिए, यह प्रयोग व्यक्ति को करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अष्टगंध अति प्रिय है। शुक्रवार के दिन थोड़ा शुद्ध अष्टगंध ला करके उसको देवी लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करके काम पर जाते समय उसको अपने मस्तक पर लगाएं तो आपको व्यापार में दोगुनी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। प्रिय मित्रों, माँ लक्ष्मी को चंदन इत्र भी अति प्रिय है। शुद्ध चंदन इत्र माँ लक्ष्मी की सेवा में, पूजा में उसको प्रयोग करके उसके बाद में थोड़ा बचा करके अपने लिए प्रयोग करें तो इससे भी आपको व्यापार में भारी सफलता मिलेगी। आशातीत धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अपने घर में शंख अवश्य रखना चाहिए और होली में, दीपावली में, बड़े त्योहारों में, पूजा में, कीर्तन में, हवन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अपनी शक्ति से भी ज़्यादा जितना हो सके अधिक से अधिक मंत्र जाप और साधना उपासना करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के घर में कभी पैसे की कमी नहीं लगती, उसको व्यापार में कभी पैसे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। यह संतों के द्वारा बताया गया अनुभूत प्रयोग है। बड़े त्योहारों में हमेशा सिद्ध स्थानों में जाने से, देवी का कोई सिद्ध मंदिर है या अन्य देवता का कोई सिद्ध स्थान है, वहाँ पर जाकर पूजा प्रार्थना हवन यज्ञ करने से भी व्यक्ति को बड़ी बड़ी सफलताएं व्यापार में मिलती देखी गई हैं। यह प्रयोग भी सिद्ध है और अनुभूत है। इन सभी प्रयोगों में से जो भी प्रयोग आपको सुलभ हो, जो आप बड़ी आसानी से कर सकें, उन्हें करें। तो दोस्तों, यह थे देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बेहद शानदार और अनुभूत उपाय। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।